हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं घनश्याम तुम्हार आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टेटस में आपका दोस्तों स्वागत करता हूं। शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधित पदों की वृद्धि से संबंधित दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। यदि चैनल पर नए आ रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन के थ्रू सबसे पहले मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को टाइम वेस्ट न करते हुए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का 2 दिवसीय धरना शुरू हो चुका है। शासन की दोहरी नीति के लिए को लेकर जताया विरोध। नगर में रविवार से शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने 2 दिवसीय धरना बस स्टैंड परिसर में अपनी मांगों को लेकर शुरू किया। अभ्यर्थी ने अपनी मांगों में उच्च एवं माध्यमिक शिक्षकों के पदों की वृद्धि को लेकर शासन की नीतियों के विरोध में धरना देते हुए नारेबाजी की। अभ्यर्थियों की मांग की गई कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में है। शासन ने स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से लगभग 20,000 रिक्त पदों की पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की। अभ्यर्थी संघ के प्रदेश संयोजक रंजीत गौर ने बताया कि प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों में प्रत्येक विषय के हजारों शिक्षक कार्यरत हैं, जिन पर यहाँ पर दोस्तों शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड अभ्यर्थियों से रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकती है। दोस्तों हजारों के पद यहाँ पर खाली हैं, जिसमें से रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकती है। प्रदेश में 8 वर्षों से शिक्षकों की भर्ती नहीं हो सकी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि प्रदेश में 8 वर्षों से शिक्षकों की भर्ती नहीं हो सकी है। शासकीय विज्ञप्ति में संशोधन किया जाए एवं समस्त विषयों के शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जाए तथा शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की जाए। शासन द्वारा हमारी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया जाता है तो हम समस्त अभ्यर्थी एक ऐतिहासिक पवित्र नगरी से पदयात्रा कर भोपाल पहुंचेंगे, वहां धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो दोस्तों आज आंदोलन का दूसरा दिन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग साथी पहुंचकर आंदोलन का सफर बनाएं, जो लोग उसमें सम्मिलित नहीं हुए थे दोस्तों। तो आगे की न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अब वीडियो के माध्यम से न्यूज़ को आपको दिखाएंगे, तो वीडियो पर सोच लेकर लास्ट तक बना रहेगा दोस्तों। दोस्तों आगे की न्यूज़ के लिए वीडियो के माध्यम से सूचित किया जाता है, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी नहीं पहुँचे हैं यहाँ पर सांची में, तो सांची में पहुँच कर आंदोलन सफल बनाए, तो वीडियो के माध्यम से आगे की जानकारी देते हैं हम आपको, तो वीडियो पर बना रहिएगा। तो दोस्तों आगे तो यहाँ पर ये न्यूज़ निकल के आई है कि लोग सांची पहुँच कर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जो लोग नहीं पहुँचे हैं सांची, तो लोग सांची पहुँच कर आंदोलन का सफल बनाए। आज आंदोलन का दूसरा दिन है, तभी दोस्तों यहाँ पर पदों की संख्या में वृद्धि हो पाएगी, अन्यथा पदों की संख्या में वृद्धि नहीं हो पाएगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मेहनत सफल असफल जाएगी। यदि मेहनत को सफल बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आंदोलन पर पहुँच कर आंदोलन को सफल जरूर बनाइएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, टेक केयर।